नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में हाजिर है मौसम की अपडेट लेकर। रोजाना आप लोगों के लिए सुबह 11 बजे मौसम की अपडेट लेकर आते हैं और आपको हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में अवगत करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी कैसा चल रहा है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कहना है, ये जानकारी आपको देते हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का आने वाले दिनों को लेकर क्या पूर्वानुमान है, ये जानकारी आपको देते हैं। साथ ही साथ आपको आपके जिला का तापमान बताएंगे कि कहां पर कितना तापमान बना हुआ है, क्या हालात अभी प्रदेश में मौसम को लेकर बने हुए हैं, ये जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मौसम को जो है अभी खराब रहने की बात 2 दिन के लिए की गई थी। 19 और 20 तारीख को मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ नहीं बल्कि खराब रहने की बात की गई है। और यहां पर आपको जानकारी दे दें कि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन जो है प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार बने हुए हैं और साथ ही साथ यहां पर बारिश और बर्फबारी को लेकर भी आसार जताए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि 21 तारीख से मौसम फिर से प्रदेश में साफ रहने की बात की गई है। तो अभी फिलहाल बात कर ले तो जो येलो अलर्ट जारी किया गया है इसमें उच्च पर्वतीय इलाकों और मध्य पर्वतीय इलाकों साथ ही कुछ एक क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और इस बीच जो है 2 दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने की बात की गई है, लेकिन 21 तारीख से फिर मौसम साफ रहेगा। 23 तारीख को फिर मौसम में बदलाव थोड़ा बताया गया है, तो 23 तारीख को भी यहां पर मौसम के खराब रहने की आशंका जताई गई है। तो अभी प्रदेश में जो है अभी मौसम जो है बल्कि पिछले दिनों से जो धूप खिल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ी है, तापमान में भी उछाल आया है। तो अभी कहीं ना कहीं फिर से मौसम खराब रहने की बात की गई है। तो आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन भी शिमला की कुफरी में बारिश दर्ज की गई है, 0.5 यहां पर मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो प्रदेश में कहीं ना कहीं फिर से मौसम खराब होने के आसार जताए गए हैं और इसी के साथ तापमान में भी बदलाव है। तो आने वाले दिनों में मौसम जो है 2 दिन साफ रहने के बाद एक बार फिर से मौसम में करवट देखने को मिलेगी। और अभी 2 दिनों में कहां कहां मौसम कैसा रहेगा ये तो जानना बाकी है, क्योंकि आज अगर बात करें तो आसमान में भी बादल छाए हुए हैं। बीते दिन की बात करें तो काफी धुंध जो है मौसम में बनी हुई थी और साथ ही मौसम भी शाम के समय थोड़ी सी करवट बदलने लगा था, लेकिन दिन भर जो है काफी मौसम साफ रहा। लोगों की अच्छी होली निकल गई, क्योंकि होली वाले दिन जो है धूप कहीं ज्यादा थी तो कहीं मतलब मीडियम से धूप निकली हुई थी, क्योंकि बादल भी आसमान में छाए हुए थे। तो इस बीच कहीं ना कहीं मौसम में फिर से बदलाव के आसार जो है बताए गए हैं। और यहां पर कुछ कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन की गई थी कि येलो अलर्ट है और रेनफॉल। जी बिल्कुल अरुणिम शर्मा जी, आपको जानकारी दे दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जो येलो अलर्ट जताया गया है वो 19 और 20 तारीख का बताया गया है। और कुछ एक क्षेत्रों में जो है मौसम साफ रहा, कुछ एक जगहों पर जो है मौसम खराब बना रहा। अब जैसे बात कर ले तो शिमला के कुफरी में जो है 0.5 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। और इसी के साथ अगर बात करें तो अभी मौसम जो है इसी तरह 2 दिन के लिए खराब रहने वाला है और उसके बाद 2 दिन फिर साफ रहेगा और उसके बाद एक बार फिर से मौसम में करवट बदलने की बात यहां पर की गई है। तो अभी मौसम जो है यूं ही बना हुआ है। और इसी के साथ अब बात करते हैं, समस्या उन जगहों पर है जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा इस बार हुई है। हमारे उच्च पर्वतीय इलाकों की बात करते हैं जहां पर बर्फबारी इस बार बहुत ज्यादा हुई थी। लाहौल स्पीति की बात करें, फिर केलांग की बात करते हैं और चंबा तक के किलाड़ तक की बात करते हैं जहां पर उच्च पर्वतीय इलाके हमारे जो है हाई हिल्स जो है हमारी वहां की बात करते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत बर्फबारी इस बार देखने को मिली है। और अब यहां पर समस्या यह है कि मौसम साफ रहने की वजह से, अच्छी धूप खिलने की वजह से यहां पर अब हिमखंड गिरना शुरू हो गए हैं जहां पर लोगों को समस्या हो रही है। बीते दिनों भी बहुत सारी जगहों पर जो है हिमखंड गिरने की खबरें आई, जिसमें अब हमारे टूरिस्ट लोग जो घूमने जाते हैं उनके वाहनों को भी नुकसान हुआ। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी मौसम के आसार यूं ही प्रदेश में रहने वाले हैं। मौसम में बदलाव थोड़ा बताया गया है, आज से लेकर कल तक जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, फिर मौसम साफ और फिर मौसम में करवट बताई गई है यहां पर। अब बात कर लेते हैं कि तापमान कहां पर कितना बना हुआ है, आपको आपके क्षेत्र आपके जिला का तापमान बताते हैं कहां पर कितना तापमान बना हुआ है। तो सबसे पहले राजधानी शिमला से शुरुआत करेंगे। और जी आप लोग जहां जहां का तापमान मौसम पूछ रहे हैं कहां पर कैसा रहेगा ये जरूर आपको बताएंगे आपके जिला के बारे में। कुछ लोग कांगड़ा का पूछ रहे हैं, बाकी जगहों का पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को बताएंगे। अब कांगड़ा हमारे मैदानी क्षेत्रों में आता है,
तो मैदानी क्षेत्र में कुछ एक जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन कांगड़ा हमारा बहुत गर्म क्षेत्र है तो यहाँ पर मौसम हल्का खराब रह सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश के कोई आसार वहां पर ज्यादा नहीं बताए गए हैं। तो आपको अब बताते हैं कि कहाँ पर कितना तापमान बना हुआ है। शिमला की बात करते हैं तो शिमला का न्यूनतम तापमान 15.0 है और सुंदरनगर की बात करें तो 16.1 है, भुंतर का 12.0 है, कल्पा का 5.4 है, धर्मशाला का 13.2 है, ऊना का 20.0, नाहन का 20.2 है और केलांग की बात करते हैं तो माइनस से तापमान हट चुका है, अब 0.8 है। और इसी के साथ अब बात करते हैं पालमपुर की, तो पालमपुर का जो तापमान है वो 16.6 है और सोलन का 14.0, मनाली का 9.0 है, कांगड़ा का 17.9 है और इसके साथ मंडी की बात करते हैं तो 17.5, हमीरपुर 19.0, चंबा 15.0 है, इसी के साथ डलहौजी 11.0, कुफरी 12.0, जुब्बड़हट्टी 17.7 और पौंटा साहिब 19.3 है। और इसी के साथ बात करते हैं तो बीते 24 घंटों के दौरान जो है न्यूनतम तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ है और औसतन न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से काफी अधिक रहा है। और अभी भी अगर बात करते हैं तो सभी जगहों पर जो है मौसम ठीक बन रहा है और बीते दिनों से जो धूप खिल रही है उसके कारण जो है अब तापमान में भी वृद्धि हुई है। जी अब यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्या? अभिषेक जी बिल्कुल, अभी अगर बात करें तो मौसम जो है बदलाव ले रहा है। और अगर बात करते हैं जो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, देखिए ये हम अपनी ओर से नहीं कहते हैं, ये जानकारी आपको मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा देते हैं। तो मंडी के मौसम की बात करते हैं या फिर सिरमौर के मौसम की बात करते हैं, और अभिषेक जी कह रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जो वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं उन्हें बचाना भी हमारा काम है, हमारा दायित्व है। तो आप लोग जो हैं अपनी ओर से प्रयास कीजिए और आपके साथ अगर आपको लोग देखेंगे तो जरूर इन रिसोर्सेज को बचाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता देते हैं कि अभी मौसम जो है 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद जो है 2 दिन मौसम साफ रहने की बात की गई है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा। फिर 23 तारीख में भी कहीं ना कहीं कुछ एक क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। तो अभी जो है मौसम प्रदेश में ऐसा रहने वाला है, जो आपको जानकारी दी कि आज 2 दिन का येलो अलर्ट है, उसके बाद जो है मौसम फिर करवट बदलने वाला है। तो फिलहाल अगर बात करें तो बीते दिनों से हो रही गर्मी जो है अच्छी धूप खिलने के कारण जो है मौसम में भी बदलाव देखा गया, काफी गर्मी हो रही थी लेकिन अब फिर से कुछ एक क्षेत्रों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको मौसम अपडेट में जानकारी आपके हिमाचल प्रदेश के मौसम, आपके जिला के मौसम के बारे में जरूर मिलती होगी। और जो लोग हैप्पी होली कह रहे हैं, आप लोगों को भी हैप्पी होली, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने बीते दिन अपनी होली जो है काफी अच्छे से मनाई होगी। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, लाइफ टाइम्स टीवी आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी अपडेट लेकर आता है जिसमें आपको जानकारी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ घटित हो रहा है। तो इसी तरह लाइफ टाइम्स टीवी को अपना प्यार देते रहे, देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद।